स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। मध्य प्रदेश के उज्जैन के निजी मेडिकल कॉलेज में आज यानी शनिवार को डॉक्टरों और परिजन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद तीनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जीवनगंज मंडी थाने के आरक्षक आशुतोष नागर को सिर पर चोट आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिसकर्मी को सिर पर टाके आए हैं। कोरोना संक्रमण काल में इस तरह डॉक्टरों, मरीज के परिजन और पुलिस के बीच हुए विवाद बेहद शर्मनाक है। दरअसल कोरोना काल में डॉक्टर और पुलिस फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर आम लोगों की सेवा में लगे हैं। विपरीत परिस्थिति में भी मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक शख्स ने आज आरडी गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में विवाद की स्थिति पैदा कर दी और हंगामा हो गया। दरअसल आरडी गांधी के डीन एनके राठौर ने कहा कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था जब यह हंगामा हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि पहले परिजनों ने पीटा और बाद में पुलिस ने भी हमारे साथ मारपीट की है। वहीं उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने पूरी घटनाक्रम की जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही है, लेकिन उन्होंने माना कि पूरे विवाद में पुलिसकर्मी घायल हुआ है। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।